as a normal process. Neither has tense or postponed death provide relief from pain and other symptoms. Integrate the psychological and spiritual aspect of patient's care. जैसा कि पहले भी हम लोगों ने देखा कि जो पैलिएटिव केयर है, बेसिकली जो पेशेंट्स की जो फिजिकल प्रॉब्लम्स है उसको हम मैनेज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ़ योर पेशेंट सफरिंग फ्रॉम कार्डियक फेल्योर और एंड स्टेज ऑफ रीनल डिजीज और डिसऑर्डर्स, तो विद द हेल्प ऑफ पैलिएटिव केयर वी आर अनेबल टू give the outcome based हम ये कह सकते हैं कि हम उसके जो आउटकम है उसको हम सही नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी इंटरवेंशन इन एंड स्टेज ऑफ रीनल डिसऑर्डर्स के अंदर प्रिस्क्राइब करोगे, फिजियोथेरेपी इंटरवेंशन, तो उससे पेशेंट्स की क्रिएटिनिन्स या जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है हम उसको मैनेज सही नहीं कर सकते. बट जो पेशेंट्स की फिजिकल प्रॉब्लम्स है इन द फॉर्म ऑफ पेन, इन द फॉर्म ऑफ ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स और इन द फॉर्म ऑफ अदर फंक्शनल प्रॉब्लम, हम उसे मैनेज कर सकते हैं, उसकी मोबिलिटी को मेंटेन कर सकते हैं, बट डिजीज के आउटकम को हम चेंज नहीं कर सकते. ऑफर्स अ सपोर्ट सिस्टम टू हेल्प पेशेंट्स लाइव एज एक्टिवली एज पॉसिबल अंटिल डेथ. तो पैलिएशंस में या पैलिएटिव केयर में हमारा जो मेन एम होगा वो क्योरेटिव नहीं होगा, हम केयर की बात करेंगे. मींस आप जो डेथ है या जो और भी चीज़ें होने वाली हैं उसे हम सही नहीं कर सकते, बट बाकी जो पेशेंट्स की जो फिजिकल प्रॉब्लम्स है हम उसे मैनेज कर सकते हैं. ऑफर्स अ सपोर्ट सिस्टम टू हेल्प द फैमिली कोप ड्यूरिंग द पेशेंट्स इलनेस एंड देयर ब्रीवमेंट्स. Next things, different domains of palliative care. There is different domains of palliative care. See here, structure and process of care. So basically, structure and process of care के अंदर हम लोग planning करेंगे. जो हम लोग follow करते थे element of interventions या elements of physiotherapy interventions, उसके अंदर जो भी आप लोगों ने पहले भी हम लोगों ने discuss किया था कि जो डिफरेंट मोडालिटीज़, डिफरेंट थेरेपिटिक एक्सरसाइजेस या डिफरेंट मोडालिटीज़ फॉर पेन रिलीफ, कम्युनिकेशंस, कोऑर्डिनेशंस, तो स्ट्रक्चर्स के ऊपर हमें काम करने की यहाँ पे ज़रूरत हो सकती है. सेकंड वन इज़ द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द केयर. तो फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द केयर बेसिकली डील विथ फिजिकल सिम्टम्स. इसके अंदर अगर हम लोग बात करें तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है या जो पैलिएटिव केयर में जो सबसे बड़ी फिजिकल प्रॉब्लम है, दैट इज़ द पेन. तो हेयर हमें फोकस करना है पेन मैनेजमेंट्स के ऊपर. तो पेन मैनेजमेंट्स सिर्फ फिजियोथेरेपिस्ट ही नहीं करेगा, बाकी और भी एक्सपर्ट्स होंगे, बट जीरियाटिक केयर्स के अंदर अगर हम जो सबसे सेफेस्ट पेन केयर के जो इंटरवेंशंस है या जो पैलिएटिव केयर है वो फिजियोथेरेपी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजियोथेरेपी मोडालिटीज, अदरवाइज जो बाकी जो ड्रग्स या फिर पेन मैनेजमेंट्स बहुत सारे केमिकल के थ्रू हम कोशिश करेंगे तो इट कैन लीड सम अदर एडवर्स रिएक्शंस आर अदर प्रॉब्लम्स. तो बेसिकली जो फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ केयर है उसके अंदर आपको पेन मैनेजमेंट्स के अंदर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत हो सकती है. नेक्स्ट वन इज साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ केयर. तो हेयर हम लोग जो ज़्यादा फोकस करेंगे, वी कैन सेज दैट कोपिंग विथ एसोसिएटेड मेंटल हेल्थ कंडीशन एज अ रिजल्ट ऑफ द पेशेंट्स कंडीशंस, इसके ऊपर आपको काम करना होगा. नेक्स्ट वन इज सोशल एस्पेक्ट ऑफ द केयर. सोशल एस्पेक्ट ऑफ द केयर बेसिकली इम्प्लीकेशंस ऑफ द पेशेंट्स कंडीशन फॉर द सोशल फंक्शनिंग्स. नेक्स्ट वन इज स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ द केयर. तो बेसिकली यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे, हम जहाँ पे रहते हैं बहुत सारे कल्चर, बहुत सारे रिलीजियस, तो इसको भी आपको रिलीजन्स इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा. कल्चरल एस्पेक्ट्स पे बेसिकली
जो प्रैक्टिस यहाँ पे हमें जो उनकी कल्चरल प्रैक्टिस है उसके ऊपर आपको ध्यान में रखना होगा। बेसिकली उसको आप कैसे केयर कर सकते हो, क्योंकि अलग अलग रीजन्स में अलग अलग एरियाज में डिफरेंट टाइप्स के कल्चर्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग शायद जो भी आपको ट्रेनिंग या जो भी चीज़ें एडवाइस करनी होंगी उसी के बेसिस पे आपको करना है। नेक्स्ट वन इज केयर ऑफ इमिनेंटली डाइंग। तो बेसिकली इसके अंदर जो डिफरेंट साइन एंड सिम्टम्स ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस और डिफरेंट वार्निंग साइंस, इसके लिए आपको क्या करना होगा, फैमिली को आप बताओगे पहले से कि ये सारी चीज़ें होंगी, इस तरह से हो सकता है। इसके अलावा समटाइम्स यू आर एबल टू डेवलप सम टाइम फ्रेम फॉर टू प्रिपेयर द फैमिली आर केयर गिवर, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। साथ साथ सम एथिकल एंड लीगल एस्पेक्ट ऑफ द केयर, तो बेसिकली एथिकल एंड लीगल एस्पेक्ट ऑफ द केयर्स आपको खास ध्यान में रखना होगा। बाकी जो अदर कंट्रीज हैं यूरोपियंस या जो भी अमेरिकन कंट्रीज, उसमें बेसिकली जो रिफंडिंग होगी, जो आपके जो भी उनकी पॉलिसी वगैरह होगी, तो उसमें कुछ एथिकल इश्यूज या लीगल इश्यूज आ सकते हैं, तो आपको उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट वन इज हियर जीरियाट्रिक पीपल सफरिंग फ्रॉम मल्टीपल डिसऑर्डर आर मल्टीपल प्रॉब्लम, तो हम लोगों ने यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। वैसे बहुत सारी कंडीशंस होंगी, बट मेजॉरिटी ऑफ ओल्डर पॉपुलेशंस में बी सफरिंग फ्रॉम सम कैंसरस डिसऑर्डर्स आर ट्यूमरस प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे एक मॉडल है हम पैलिएटिव केयर का, डी मॉडल ऑफ रिहेबिलिटेशन इन ऑनकोलॉजी एंड पैलिएटिव केयर। तो एक जस्ट एक एग्जाम्पल एज एग्जाम्पल हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। बाकी जो अदर कंडीशंस होंगी लाइक क्रोनिक लीवर डिसऑर्डर्स या फिर रीनल फेल्योर, हार्ट प्रॉब्लम्स, लंग्स, क्रोनिक लंग्स प्रॉब्लम्स, तो उसको भी इसी कंसेप्ट पे हम फॉलो करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो हम ये कह सकते हैं कि प्रिवेंटिव, तो बेसिकली जो प्रिवेंटिव पैलिएटिव केयर होगा इसके अंदर हमें जो भी डिसेबिलिटीज़ हैं या हम ICF को नेगी मॉडल को फॉलो करके कुछ प्रिडिक्ट करेंगे कि ये हो सकती है या इस तरह की चीज़ें हो सकती है, हम इसे कैसे मैनेज करेंगे उसके लिए आपको प्लान करना होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो एजुकेशन फॉर पेशेंट्स एंड फैमिली कमेंसिंग इमिडिएटली आफ्टर डायग्नोसिस। फॉर एग्जाम्पल कि कोई ऐसा डिसऑर्डर्स, फॉर एग्जांपल प्रोस्टेट ट्यूमर्स, अगर आपको आपके पेशेंट्स को जीरियाटिक पॉपुलेशंस है, मल्टीपल प्रॉब्लम्स होगी, डायग्नोसिस हो गई प्रोस्टेट ट्यूमर्स की, तो आपको जो उसकी स्पाइन है, अभी स्पाइन में स्प्रेड नहीं हुआ है, सेकेंडरी इन्वॉल्वमेंट नहीं हुए हैं, बट फिर भी हमें स्पाइन के केयर को आपको स्पाइन को ध्यान में रखना होगा, उसकी एर्गोनॉमिक्स, उसके पोस्चर, क्योंकि अगर आपका प्रोस्टेट ट्यूमर अनट्रीटेबल होगा या रिस्पांस नहीं करेगा तो मे बी मेटास्टेसिस हो सकती है, और जो होगी आपकी स्पाइन के अंदर होगी, तो पहले से भी ही हम प्रिवेंटिव रोल में काम करते चलेंगे। नेक्स्ट वन इज द रिस्टोरेटिव, नो आर लिटिल रेजिडुअल डिसेबिलिटी एक्सपेक्टेड, इसके एग्जाम्पल्स को हम देख सकते हैं, इनकरेजमेंट एजुकेशन एंड ट्रीटमेंट इन अचीविंग फिजिकल वर्क एंड लाइफ स्टाइल गोल, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट एज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट सपोर्टिव, डिजीज इज कंट्रोल बट प्रोग्रेसिव डिसेबिलिटी प्रोबेबल एंड कंटिन्यू सपोर्ट नीडेड, है ना। यहाँ पे हम देख सकते हैं एग्जाम्पल में अफर्मेशंस एजुकेशंस एंड ट्रीटमेंट टू हेल्प पीपल अचीव देयर फिजिकल वोकेशनल एंड लाइफ स्टाइल गोल। तो यहाँ पे बेसिकली जो आपके एलिमेंट्स ऑफ फिजियोथेरेपी एलिमेंट्स हैं, जो डिफरेंट इंटरवेंशंस को आप उसको फॉलो करोगे, और जो उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा दैट इज़ एजुकेटिव, है ना, या जो आप प्लान करोगे जो उन्हें आप एडवाइस, क्योंकि पैलिएटिव केयर्स, पैलिएटिव जीरियाटिक केयर्स के अंदर जो सबसे बड़ी
प्रॉब्लम्स होगी। आप एक तो ट्रीटमेंट बड़े लंबे समय के लिए नहीं दे सकते हो, मे बी आपका जो ड्यूरेशंस ऑफ इंटरवेंशंस है पैलिएटिव केयर एक घंटा नहीं हो सकता है, शायद पेशेंट्स कोऑपरेट ना करें, तो आपको क्या करना होगा कि उस इंटरवेंशंस की टाइमिंग को ब्रेक करना होगा। फॉर एग्जांपल एक बार में आपने उसे हार्ट वाटर फर्मेंटेशंस करा दिया, अब उसका जो एक घंटे के बाद डेढ़ घंटे के बाद आप जो भी और भी उसे मोबिलिटी एक्सरसाइजेज या जो भी चीज़ें करानी है करा सकते हैं। तो बेसिकली आपको एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान में रखना है, और जो फैमिली मेम्बर होंगे या केयर टेकर्स होंगे उसमें आप सपोर्ट्स के बारे में उन्हें सिखाने की कोशिश करोगे। नेक्स्ट वन इज पैलिएटिव। तो डिसेबिलिटी कैन नॉट बी करेक्टेड ड्यू टू प्रोग्रेसिव डिजीज, बट मैक्सिमम क्वालिटी ऑफ लाइफ इन टर्म ऑफ कम्फर्ट एंड फंक्शन इज द एम। तो यहाँ पे पैलिएशंस में पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यहाँ पे भी जो बहुत सारी ऐसी डिजीज या डिसऑर्डर्स हैं वो, जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर डीलिंग विथ रिमेटॉइड आर्थराइटिस है ना, तो रिमेटॉइड आर्थराइटिस आप क्या कहते हो कि इट अफेक्ट वेरियस सिस्टम ऑफ द बॉडी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो डिजीज़ है एक ऐसी स्टेज होगी कि विद द हेल्प ऑफ वेरियस इंटरवेंशन योर डिजीज़ मे बी रिवर्स, है ना, आप रिवर्स करा सकते हो, बट एक स्टेज उसकी ऐसी आएगी कि जो जो उसके इम्पेयरमेंट्स हैं या जो डिजीज़ है हम उसे रिवर्स नहीं करा सकते, कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। इसी तरह से एक जो इसके बाद वाली जो स्टेज होगी ऐसी हो सकती है कि हम उसे रिवर्स भी नहीं करा सकते, कंट्रोल करने में भी प्रॉब्लम्स होगी। तो ऐसा होगा कि कभी बहुत सूजन, बहुत पेन, या कभी ऐसा भी हो सकता है कि डिफार्मिटीज बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड होंगे, है ना। बाकी अदर सिस्टम ऑफ द बॉडी मतलब एक्सेप्ट द मस्कुलो स्केलेटल्स, योर कार्डियोपल्मोनरी सिस्टम्स, योर नर्वस सिस्टम्स, योर अदर सिस्टम्स, योर रेडिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, तो दैट टाइम्स आपको किस तरह से उसके क्वालिटी ऑफ लाइफ पे, मे बी रेडिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम इज इन्वॉल्व, तो क्या होगा अब भी उसको वॉक करने में दिक्कत हो सकती है क्योंकि उसकी हीमोग्लोबिन का लेवल कम होगा। मे बी कार्डियोपल्मोनरी इम्पेयरमेंट, डबल इम्पेयरमेंट्स हो गए या यहाँ पे डबल क्रश हो गए। तो बेसिकली पैलिएशंस के अंदर हम क्योर तो नहीं कर सकते बट केयर कर सकते हैं, तो केयर विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सिम्टमेटिक मैनेजमेंट्स। नेक्स्ट वन इज क्या आपके एम्स हो सकते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेंटेन एन ऑप्टिमम रिस्पिरेटरी फंक्शंस। तो ये रिस्पिरेटरी फंक्शंस को आप कैसे मेंटेन करोगे, आपको इवेल्युएट करना है कौन कौन से डिसऑर्डर्स के साथ है, इररिवर्सिबल डिसऑर्डर्स के साथ है, उसके अकॉर्डिंग कौन सा डोमिनेंट फैक्टर्स है, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, तो उस हिसाब से आपको रिस्पिरेटरी फंक्शंस पे काम करना होगा, प्लानिंग उसके लिए करनी होगी। मेंटेन ऑप्टिमम सर्कुलेटरी फंक्शंस, प्रिवेंट मस्कुलर एट्रोफी, प्रिवेंट मसल शॉर्टनिंग, प्रिवेंट जॉइंट कॉन्ट्रैक्चर। तो मतलब ये लास्ट के जो तीन हैं इसके लिए आपको अगर इस पे काम करना है तो हमें हमारे पेशेंट्स को इंगेज करना होगा, है ना, एटलीस्ट जितने भी उसके फंक्शंस हैं उसको मेंटेन रखना है, फंक्शंस फर्दर डिटोरिएट ना होने पाए। क्योंकि पहले वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था अगर एक्टिविटी लॉस हो रही है, फंक्शंस लॉस हो रही है, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं, मसल एट्रॉफी, मसल शॉर्टनिंग, जॉइंट कॉन्ट्रैक्चर, आप इसे रिवर्स नहीं करा पाओगे, है ना। तो आपको पैलिएटिव इंटरवेंशन से इसे बचा के रखने की कोशिश करना है, बट जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसे फॉलो करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, पैलिएटिव स्पेशली इन इंडिया जब हम भी पैलिएटिव केयर की बात करते हैं, तो क्योंकि पैलिएटिव केयर की डिफरेंट डिसिप्लिन्स है, है ना। इवन इन फिजियोथेरेपी अगर आप बात करोगे, जैसे हम जीरियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट की बात करते हैं, तो जो पैलिएटिव केयर है बेसिकली नॉट ओनली डिजाइन फॉर जीरियाट्रिक पॉपुलेशंस, पैलिएटिव केयर बेसिकली डिजाइन फॉर ऑल एज पॉपुलेशन हु आर सफरिंग फ्रॉम एंड स्टेज ऑफ डिजीज आर डिसऑर्डर्स। तो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, स्पेशलिटीज के अकॉर्डिंग आपको काम करने की जरूरत होगी। नेक्स्ट वन इज इन्फ्लुएंस द पेन कंट्रोल, इम्प्रूव द मोबिलिटी ऑफ द पेशेंट्स, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पेशेंट्स, इम्प्रूव द फंक्शनल इंडिपेंडेंस,
educate about and participate in the care. Next important points, क्या आपके goals होंगे, है ना, goal of physiotherapy. तो basically अगर हम बात करें palliation, palliative care, physiotherapy में एक dry topic है, बहुत सारी चीज़ें overlap करती हुई आपको मिलेंगी. तो यहाँ पे भी आपको जो अपने goal होंगे वो एक स्मार्ट गोल आपको तैयार करने की कोशिश करना है. यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द एंड स्टेज ऑफ डिजीज आर इररिवर्सिबल डिजीज आर डिसऑर्डर डिटरमाइन द पेशेंट्स फंक्शनल लॉस, है ना, एस्टीमेट फंक्शनल पोटेंशियल, इम्प्लीमेंट अ प्लान टू प्रोग्रेस फ्रॉम मेजर लॉस टू फुल पोटेंशियल. फर्दर द जो आपका लास्ट गोल होगा वही इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ. To listen actively and positively with an awareness of priorities as determined by the patients, achieve the best possible quality of life for patients and their family, availability as a resource for patients and family. So basically, जो palliative care है, एक तरह से हम लोग एक word use करते हैं ना कि sometimes हम लोगों ने फार्मा में पढ़ा था ना प्लेसिबो इफेक्ट्स, है ना, कि जो आप पेशेंट्स को हम कहें जो फुसलाने की बात करते हैं, है ना. तो पैलिएशन से आपको क्या होगा कि आप मरीज को सिम्टोमेटिक रिलीफ दे सकते हो, साथ साथ जो उसके केयर गिवर्स हैं या जो फैमिली मेंबर्स हैं उसको भी कुछ आप रिलीफ दे सकते हो. बट हमेशा आपको ध्यान में रखना कि पैलिएशन से हम फंक्शंस क्वालिटी ऑफ लाइफ, हाँ ये अलग चीज़ है कि ड्यू टू पॉजिटिव थिंकिंग ऑफ द पेशेंट्स या जो फैमिली मेंबर्स है शायद जो उसकी जर्नी है आप और बढ़ा सकते हो, जो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो आप बढ़ा सकते हो. क्योंकि बहुत सारे रिसर्चेज ऐसे शो करते हैं कि जब आप सपोर्टिव केयर दोगे, सिम्टोमेटिक केयर दोगे, तो इससे क्या होगा कि जो पेशेंट्स के अंदर जो एंजाइटी, डिप्रेशंस या अदर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे. तो बेसिकली जो उसकी जर्नी है आप उसे बढ़ा सकते हो, या जो जर्नी है उस जर्नी के अंदर उसके सर्वाइवल्स को, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम अच्छा कर सकते हैं पैलिएटिव केयर के थ्रू. तो सी हियर डिफरेंसेस इन पैलिएटिव फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट. Traditional physiotherapy treatments need to be modified to accommodate the irregular changing needs of the patients. Basically, आप क्या करते हो कि जब हम ऐसे किसी disease या disorders के लिए आपको interventions देते हो तो most of the times are always we are using outcome measures, है ना, और फिर कोई interventions दोगे, फिर reassess करोगे और उसके basis पे आप interventions को मॉडिफाई करने की कोशिश करोगे कि ये चेंजेस नहीं आ रहे हैं. बट इसके अंदर आपको क्या करना है, एक सपोर्टिव केयर की बात करनी है, है ना, एक पेन कंट्रोल की मोडालिटीज या फिर मोमेंट्स को मेंटेन रखने के लिए एक दो बार मोमेंट्स या जो भी डोजेज होंगे उसके हिसाब से आपको करना है. तो सी नेक्स्ट पॉइंट, ट्रीटमेंट आर ब्रीफ ऑफन लेस देन 10 मिनट. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रीटमेंट आर ब्रीफ ऑफन लेस देन 10 मिनट्स and are repeated several times per day if possible, है ना. तो चूँकि palliative care interventions के अंदर आप बड़ा लंबा physiotherapy protocols नहीं दे सकते, क्योंकि palliative care में majority of, अगर हम geriatric populations की बात करें तो दो negative points होंगे, एक तो geriatric populations, geriatric patient, second one is the multiple disease disorders or end stage of disease or disorders. तो सब मोस्ट ऑफ द टाइम योर पेशेंट्स आर नॉट कोऑपरेटेड, है ना. तो वहाँ पे आपको ब्रेक ब्रेक करके ट्रीटमेंट्स देने हैं. ये भी पॉसिबल नहीं है कि आप दिन में 5 बार उनके घर पे आप जाओगे 10-10 मिनट के लिए. तो इसके लिए अगर हॉस्पिटल्स के अंदर है, नाउअडेज पैलिएटिव केयर सेंटर इज अवेलेबल, है ना, मल्टी डिस्पेसिलिनरी पैलिएटिव केयर सेंटर्स, उसमें भी एक टीम की ज़रूरत होगी, है ना. तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम है. नेक्स्ट वन इज फ्रीक्वेंट रेस्ट आर रिक्वायर्ड, जाहिर है पेशेंट्स स्टेटस कैन चेंज सडनली एंड रैपिडली. ऐसा भी हो सकता है उसके मूड भी बड़ी तेजी के साथ स्विंग हो सकते हैं,
इसके अलावा रिक्वायरमेंट टू बैलेंस इफर्ट एंड फटीग, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिजियोथेरेपी इंटरवेंशन के अंदर, पैलिएटिव केयर इंटरवेंशन के अंदर. तो सीवियर कंडीशन सीन इन पैलिएटिव केयर, स्पेशली अगर हम जीरियाट्रिक पैलिएटिव केयर की बात करेंगे तो मे बी सफरिंग फ्रॉम कैंसरस डिसऑर्डर्स और एंड स्टेज ऑफ कार्डियक डिजीज, एंड स्टेज ऑफ पल्मोनरी डिजीज, एंड स्टेज ऑफ रीनल डिजीज, मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर्स, प्रोग्रेसिव सेरेबेलर एट्रॉफी, समटाइम क्रोनिक स्ट्रोक, मल्टीपल स्क्लेरोसिस. तो दीज आर द मेन कंडीशन विच नीड्स पैलिएटिव केयर, है ना. कैंसर स्पेशली एंड स्टेज ऑफ द कैंसर, या जितनी भी हम लोगों ने डिजीज की बात पढ़ी की एंड स्टेज, इसके अंदर इसे हम रिवर्स नहीं करा सकते नॉर्मल फंक्शंस की तरफ, क्योर नहीं कर सकते, तो यहाँ पे पैलिएशंस की ज़रूरत हो सकती है. What are the different major issue, different major issue the patients and therapist face? तो क्या हो सकती है, क्या क्या problems आ सकती हैं? Fatigue, nausea. अच्छा, sometime these point most of the time depends on types of disease or disorders, है ना. उसके भी कुछ symptoms आपको मिलते रहेंगे. तो fatigue, nausea, pain, weakness, lack of confidence, disparity between perceived and actual physical ability, drug reaction, cachexia, progressive irregular decline in ability, muscle wasting, disease progressions, है ना. जो disease के, जो disease को measure करने के parameters हैं या जो laboratory parameters हैं उनके अंदर बहुत सारे changes मिलेंगे. और एक बहुत बड़ी जो बहुत बड़ा points है कि जो वेरियस डिजीज या डिसऑर्डर एंड स्टेज, उनके अलग अलग तरह के साइन सिम्टम्स हो सकते हैं. सम जनरल सिम्टम, तो सम जनरल सिम्टम्स जो बहुत सारे चीज़ें ऐसी होंगी जो कॉमन होंगी, लाइक द फटीग, नाजिया, पेन इज द मोस्ट कॉमनेस्ट, वीकनेस, लैक ऑफ द कॉन्फिडेंस, या ड्रग रिएक्शंस, है ना. तो मोस्ट ऑफ द टाइम जीरियाट्रिक्स पीपल यूज मल्टीपल ड्रग्स, या हम ये कहेंगे कि वो अपने साथ एक पॉलीफार्मेसी ही लेके चलेगा, या उसके पास एक पॉलीफार्मेसी ही होगी. तो ये जो मेडिसिंस हैं जो इसके एडवर्स रिएक्शंस, या फॉर एग्जांपल योर पेशेंट्स यूजिंग हार्मोनल थेरेपी इंक्लूडिंग सम एंटीबायोटिक्स, इंक्लूडिंग हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग्स और सम अदर ड्रग्स, तो क्या होगा, जितनी ये मल्टीपल्स ड्रग्स हैं इसके अलग अलग एडवर्स इफेक्ट्स भी होंगे. और साथ साथ जो इन तीन दवाइयों का इंटरेक्शंस हो रहा है उससे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है. तो उन सारी चीज़ों को भी आपको फिजिकली आप क्या कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ पोजीशनिंग, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मोडालिटीज आर गिविंग सम प्लेसिबो मोडालिटीज. फॉर एग्जांपल जैसे आपका मरीज क्या कह रहा है कि ये वाली मशीन लगाने से हमारा दर्द बहुत ठीक हो जा रहा है, तो शायद आप रेगुलर 1 month 1 year वो मशीन यूज नहीं कर सकते. देन यू कैन यूज स्टार्ट द मशीन, जीरो द इंटेंसिटी, है ना. तो आप प्लेसिबो इफेक्ट्स भी दे सकते हो. कैचेक्सिया की हम लोगों ने बात किया, बाकी ये सारी चीजें आपको पता है. नेक्स्ट वन इज सीवियर, मोर फोकस ऑन सिम्टम्स, है ना, सिम्टमेटिक मैनेजमेंट और सिम्टमेटिक इंटरवेंशन. तो बेसिकली किसके किसके ऊपर आप काम कर सकते हो, क्या क्या चीजें हैं. पेन, पैलिएटिव केयर ऑफ द पेन विद द हेल्प ऑफ फिजियोथेरेपी इंटरवेंशंस, है ना. हम अपने डोमेन्स की बात करेंगे, डिप्रेशंस या आप कॉग्निटिव डिसफंक्शंस की बात करोगे, फिजिकल इनएक्टिविटीज. तो फिजिकल इनएक्टिविटीज बेसिकली यहाँ पे आपका पैलिएटिव केयर बहुत इम्पॉर्टेंट होगा. फिजिकल इनएक्टिविटी मीन्स आप जॉइंट्स के ऊपर आपको लोडिंग कैसे देना है, मसल्स को कैसे कॉन्ट्रैक्ट कराना है, क्योंकि जीरियाट्रिक पॉपुलेशन है, अगर आप लोडिंग नहीं दोगे तो ये मतलब कोई ऐसी मेडिसिंस नहीं है कि जो इफेक्ट्स ऑफ एक्टिविटीज ऑन वेरियस सिस्टम ऑफ द बॉडी, कोई ऐसी मेडिसिंस नहीं है कि वो ही इफेक्ट दे दे जो आप एक्टिविटी से करा लो. तो एक्टिविटी तो ज़रूरी है, क्योंकि आपको स्ट्रेस देना है, एक नॉर्मल रेंज में एक स्ट्रेस काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है डिफरेंट सिस्टम्स के लिए, उसके ऊपर आपको काम करना है. बाकी फिजिकल वीकनेस, फटीग्स, तो बेसिकली
जब आप इस पे वर्क करोगे तो आप क्योर की तरफ नहीं ध्यान रखना है, है ना। सिम्टोमेटिक रिलीफ मैनेजमेंट्स की आप बात करोगे, मेंटेनेंस की बात करोगे, इम्प्रूवमेंट्स की बात आपको नहीं करनी। नेक्स्ट वन इज असेसमेंट एंड प्लानिंग। तो जो बहुत सारे कंपोनेंट्स हम लोगों ने जीरियाटिक्स इवैल्यूएशंस के अंदर पढ़े थे, वो सारी चीज़ें आप फॉलो कर सकते हो। तो उसके कुछ कंपोनेंट्स मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। फॉर एग्जांपल असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल इमोशनल एंड सोशल नीड्स, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट, है ना, क्योंकि जीरियाटिक पॉपुलेशंस के अंदर सबसे टिपिकल जो प्रॉब्लम्स है, जो आप साइकोलॉजिकल या कॉग्निटिव कंपोनेंट्स को जो आप इवेल्युएट करते हो, इसकी फाइंडिंग्स को नोट डाउन करना थोड़ा मुश्किल है। नेक्स्ट वन इज असेसमेंट ऑफ फिजिकल फंक्शंस। तो असेसमेंट ऑफ फिजिकल फंक्शंस अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ द पेशेंट। फॉर एग्जांपल पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एंड स्टेज ऑफ क्रोनिक इलनेस, तो हो सकता है कि वो चल ना पाए, उठ ना पाए, बट बेड पे ही रह रहा है, तो एटलीस्ट उसकी बेड की मोबिलिटी ठीक हो, जो लिम्ब्स के मूवमेंट्स हैं वो खुद कर ले, है ना। या फिर ऐसा हो सकता है कि वो खुद से बैठ जाए, वॉक तो नहीं कर पा रहा है, मतलब जो भी उसका लेबल होगा उसके लेबल के अकॉर्डिंग आप फिजिकल फंक्शंस को इवेल्युएट करोगे। नेक्स्ट वन इज सेटिंग द गोल। तो यहाँ पे फिर आपको स्मार्ट गोल को फॉलो करना है, और कोई ऐसा गोल नहीं सेट करना है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर पूरी तरह से लिम्ब पैरालाइज है तो आप एक गोल ये ना आप बना लो कि हम इसको चला देंगे, दौड़ा देंगे। सफरिंग फ्रॉम एंड स्टेज ऑफ अदर एसोसिएटेड डिसऑर्डर्स, तो आपको जो एक्सरसाइजेज हैं या जो, क्योंकि जो बीइंग अ फिजिकल थेरेपिस्ट जो पैलिएटिव केयर इंटरवेंशन हम फिजियोथेरेपी में देंगे, वो बेसिकली वी कैन यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोडालिटीज। लेकिन जब भी आप मोडालिटीज आप यूज़ करोगे रिगार्डिंग टू द पेशेंट्स, हम कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करते हैं, यहाँ पे प्रिकॉशंस भी आपको करनी है। बहुत सारी मोडालिटीज हो सकता है वो रिस्पांस ना दे, या फिर क्या हो सकता है गिव सम अदर एडवर्स रिएक्शंस, तो आपको उसको भी ध्यान में रखने की ज़रूरत हो सकती है। नेक्स्ट वन इज असेसमेंट ऑफ एक्टिविटी, असेसमेंट ऑफ एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग एंड सपोर्टिव रिक्वायरमेंट और सपोर्टिव केयर। साथ साथ जो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट होगा वो असेसमेंट ऑफ होम इन्वायरमेंट्स, है ना। होम इन्वायरमेंट का असेसमेंट आपके पेशेंट्स के लिए ज़रूरी हो सकता है, पहले भी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। सिम्टम कंट्रोल, ट्राई टू कंट्रोल द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ रिस्पिरेटरी केयर, पेन मैनेजमेंट्स, लिम्फेडिमा मैनेजमेंट्स, है ना। अगर इसमें कोई कार्डियो पल्मोनरी प्रॉब्लम्स है या पल्मोनरी प्रॉब्लम्स एज रिलेटेड होगी भी, या कोई और मल्टीपल प्रॉब्लम्स, बहुत सारी तरह के इन्फेक्शंस, या जो आप COPD बहुत सारी डिजीजेज हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे क्या कर सकते हो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। फॉर एग्जांपल समटाइम योर पेशेंट सफरिंग फ्रॉम रिस्पिरेटरी कैंसर और पल्मोनरी ट्यूमर्स, है ना, या फिर पैनकास्ट ट्यूमर्स, तो उसके अंदर और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, ये एंड स्टेज में है, तो आप इसे मैनेज करने की कोशिश करोगे, क्योर नहीं कर पाओगे, फिर क्या होगा, मैनेज करना भी मुश्किल हुआ, तो उसके जो वेरियस सिम्टम्स हैं उसको हम मैनेज करने की कोशिश करेंगे, कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। पेन मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा टिपिकल होगा, जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। लिम्फ एडिमा, तो लिम्फ एडिमा एसोसिएटेड विथ सम कैंसरस डिसऑर्डर, है ना, इट इज़ वेरी टिपिकल टू मैनेज, अगर किसी ट्यूमरस लीजन्स या कैंसर्स की वजह से हो रहा है ओल्ड एज के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर कोई फीमेल है, ब्रेस्ट कैंसर्स हो गए, उसका मेटास्टेसिस डिपोजिशंस हो गया, या फिर कोलन के कैंसर्स हुए, प्रोस्टेट के कैंसर्स हुए, तो मे बी एडिमा, लिम्फ एडिमा इज प्रेजेंट्स, इट इज़ वेरी टिपिकल टू मैनेज द लिम्फ एडिमा। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर हम होम बेस मैनेजमेंट करेंगे तो शायद बहुत सारी मोडालिटीज़ का आप यूज़ नहीं कर पाओगे, लेकिन विद द हेल्प ऑफ योर डिफरेंट टेक्निक्स या डिफरेंट एक्सरसाइजेस आप उसे मैनेज कर सकते हो।
फंक्शन एंड रिहैबिलिटेशन, एक्सरसाइज, गेट री एजुकेशन, जो पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था. अगर बंदा, इफ योर पेशेंट इज एबल टू वॉक, देन है ना, अदरवाइज सारे मरीज को आप गेट री एजुकेशन नहीं करा सकते पैलिएटिव केयर्स के अंदर, है ना. साथ साथ प्रोविजंस ऑफ या प्रिस्क्रिप्शंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स, है ना, इक्विपमेंट्स के अंदर इंक्लूडिंग व्हील चेयर्स या फिर स्प्लिट्स, जो भी चीज़ें हैं उसे आपको ध्यान में रखना है. इसके अलावा ज़्यादा आपको फोकस करना है या ज़्यादा आपको एजुकेट करने की ज़रूरत होगी केयर गिवर्स या फैमिली मेम्बर्स को, स्पेशली कौन कौन से सेफेस्ट मेथड्स हैं जो बंदे को आपको अगर ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत पड़ी या मोबिलिटी, तो उसमें आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर उसके साथ साथ कोई इंजरीज और हो गई तो उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती है. साथ साथ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ केयर, बेसिकली मोर फोकस ऑन रीट्रेनिंग ऑफ कॉग्निटिव एंड परसेप्चुअल डिसफंक्शन, रिलैक्सेशन ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशंस. तो एजुकेशन ऑफ द पेशेंट्स, केयरर्स, जो भी चीज़ें हैं. कभी कभी क्या होगा, एंड स्टेज ऑफ क्रोनिक इलनेस एंड योर पेशेंट इज अनकॉन्शियस, है ना, मे बी प्रेजेंट एसोसिएटेड विद स्वेलिंग और प्रेशर सोर्स, जो भी. तो यहाँ पे भी आपको पैलिएटिव केयर देने की जरूरत होगी. मींस जैसे फॉर एग्जांपल पोजीशनिंग खराब ना होने पाए जॉइंट्स मसल्स के अंदर, जो और भी जो प्रॉब्लम्स होने वाली है, ब्रीदिंग उसकी इजीली हो, उसके लिए आपको पोजीशनिंग, वहाँ पे भी आपको पैलिएशंस की ज़रूरत हो सकती है. मैनुअल हैंडलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्पेशली फॉर नर्सेज अटेंडेंट, साथ साथ जो केयर गिवर्स हैं. इसके अलावा लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट्स, मतलब अगर बहुत एंड स्टेज डिसऑर्डर्स है, योर पेशेंट्स इज एबल टू डू मैक्सिमम एक्टिविटीज, है ना, कुछ ही एक्टिविटीज के ऊपर वो डिपेंडेंट है या कुछ ही फंक्शंस उसके ज़्यादा डिटोरिएट हुए हैं, तो यहाँ पे आपको लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट्स या लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस की हम बात करते हैं, उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे. एडवाइस ऑन पेसिंग एंड एनर्जी कंजर्वेशंस, लेजिंग विथ अदर प्रोफेशनल एंड केयरर्स, फिजियोथेरेपी इन पैलिएटिव केयर. आप ये देख सकते हो, ये एक रिसेंट आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग जो ये कंसेप्ट्स हैं, जिस तरह से हम लोग जीरियाट्रिक केयर में बात कर रहे थे, तो यहाँ पे पैलिएटिव केयर में बेसिकली सबसे पहले हम लोग अपना जो एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट है उस पर ज़्यादा फोकस किया था. आफ्टर दैट ऑर्गेनाइज प्लानिंग कोऑर्डिनेशंस, है ना, कम्युनिकेशंस, अंडरस्टैंडिंग, इनफॉर्मिंग, गाइडिंग एंड एजुकेशंस, जो आप एजुकेशंस या जो होम एडवाइस या जो केयर टेकर्स को जो आप एडवाइस दोगे, केयरिंग फॉर बेसिक नीड्स. इसके अलावा काउंटर एक्टिंग ए डिक्लाइन फिजिकल फंक्शंस, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, सिम्टमेटिक मैनेजमेंट. तो मोर फोकस ऑन सिम्टमेटिक मैनेजमेंट्स की हम बात करते हैं. बाकी और अगर कुछ चीज़ें आपको लगी हैं कि जो उसके इम्पेयरमेंट्स हैं, जो हम लोगों ने बात किया था प्राइमरी सेकेंडरी टर्सियरी, उसके हिसाब से भी हम कुछ काम कर सकते हैं. तो पैलिएटिव केयर यहाँ पे फिर उसी एग्जांपल्स को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, जीरियाट्रिक पॉपुलेशन या जीरियाट्रिक पेशेंट्स एसोसिएटेड विद कैंसरस डिसऑर्डर्स. तो अकॉर्डिंग टू द नीड्स, अकॉर्डिंग टू द इंडिकेशंस, एंड सम टाइम सम मोडालिटीज इज एब्सोल्युटली कंट्रा इंडिकेटेड इन सम पेशेंट्स. कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि उसको आप प्रिकॉशंस के साथ दे सकते हो. तो हमेशा एक आपकी एक रीजनिंग होनी चाहिए या अपने कलीग से आपका एक हेल्दी डिस्कशंस होना चाहिए, इफ़ यू आर यूजिंग एनी मोडालिटीज, है ना, आप क्यों दिस मोड यूज फॉर व्हाट, है ना, आप क्यों यूज़ करना चाह रहे हो हीट का या कोल्ड का, क्या इफेक्ट लेना चाह रहे हो, पेशेंट्स एजुकेशन. तो बाकी चीज़ें जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस की हैं वही सारी स्लाइड्स के अंदर भी हैं. अच्छा, ये अभी देखिए एक 2018 का रिसर्च है, ये काफ़ी इम्प्रेसिव इसकी फाइंडिंग्स है जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बेसिकली जो सिम्टमेटिक बर्डन है क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर. तो देखिए ये क्या कह रहा है कि रिड्यूसेस सिम्टम डिस्ट्रेस बाय 66%, है ना. इसके अलावा 93% पेशेंट्स आर सेटिस्फाई एंड रिकमेंड फॉर अदर पीपल फॉर सेम केयर. तो पैलिएशंस का या पैलिएटिव केयर का रोल तो है ही है. अब यहाँ पे आप फिजियोथेरेपी पेन मैनेजमेंट, है ना, क्योंकि पेन एक बड़ा चैलेंजिंग होगा पैलिएटिव केयर के अंदर, जो दर्द वाली बात होती है.
तो दर्द की डेफिनेशंस ही थोड़ा सा बड़ी उलझी हुई है। इस वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम बात क्या करते हैं कि अगर कोई बंदा 6 महीने से ज़्यादा या कोई क्रोनिक इलनेस से सफ़र कर रहा है तो उसकी पेन की एनालिसिस और पेन का मैनेजमेंट थोड़ा सा बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ट्राई टू फाइंड आउट द मैकेनिज्म ऑफ द पेन, मतलब बीइंग अ फिजिकल थेरेपिस्ट वी शुड मोर टारगेटिंग ऑन मैकेनिज्म्स, जो मैकेनिज्म्स है जैसे आप बात यहाँ पे करेंगे तो आप क्या इंटरवेंशन दे रहे हो या आपको चूज करना अकॉर्डिंग टू योर एविडेंस बेस। फॉर एग्जांपल इफ पेन एनी कंडीशंस एसोसिएटेड एनी कंडीशन प्रेजेंट इन जीरियाट्रिक पॉपुलेशंस, है ना, कोई एंड स्टेज की प्रॉब्लम्स है, अब मे बी उसका जो मैकेनिज्म ऑफ द पेन है आपको सेंट्रल सेंसिटाइजेशंस, अब वहाँ उसके लिए अकॉर्डिंग टू रिसर्चेस ये काफ़ी अच्छा ये आर्टिकल्स है, आप इसको पढ़ सकते हैं, नीचे रेफरेंस दिया हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पे हम बात करते हैं ना पेशेंट्स एजुकेशन या जो टेंस की आप बात करोगे, बायोफीड की बात करोगे, डीप क्यूटेनियस प्रेशर या मिरर थेरेपी, तो जस्ट एग्जांपल्स, एक एग्जांपल्स है, सेंट्रल सेंसिटाइजेशन है, पेरिफेरल सेंसिटाइजेशन या न्यूरोपैथिक मैकेनिज्म्स, तो यहाँ पे आप क्या करोगे न्यूरोडायनामिक मोबिलाइजेशन, नर्व स्लाइडर एंड टेंसनर, नर्व मसाज। अच्छा, बट जब आप न्यूरोडायनामिक मोबिलाइजेशन की आप बात करोगे तो हमेशा पेशेंट्स को ध्यान में रखना, जीरियाट्रिक पॉपुलेशन है ना, वेरिएबिलिटी एमंग एंड विद इन द इंडिविजुअल्स, है ना, तो जो उसके टिश्यूज है उसके ऊपर भी एज रिलेटेड। तो आप जब न्यूरोडायनामिक या न्यूरल मोबिलाइजेशन की बात करोगे तो कुछ आपको इस यानी यू कैन सेज दैट कि अगर जो न्यूरल मोबिलाइजेशन अगर हम किसी यंग पॉपुलेशन में दे रहे हैं ना, वही इंटरवेंशन अगर आपको जीरियाटिक पॉपुलेशन में देना है न्यूरल मोबिलाइजेशन, तो भाई एक चैलेंजिंग होगा अकॉर्डिंग टू चेंजेस ऑफ द स्ट्रक्चर्स, है ना, तो जो उसके अंदर जो जीरियाटिक चेंजेस हैं उसके हिसाब से हमें थोड़ा अलग तरह की प्रैक्टिस की जरूरत हो सकती है। नेक्स्ट वन इज नोसीसेप्टिव मैकेनिज्म्स, अगर नोसीसेप्टिव मैकेनिज्म्स है तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ मोडालिटीज इज हियर, वेरियस टाइप ऑफ मैनुअल थेरेपी टेक्निक्स, इस तरह से सिंपैथेटिक मेंटेन या हम ये कह सकते हैं डिपेंडेंट पेन मैकेनिज्म्स, उसके लिए यू कैन यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोडालिटीज, डिफरेंट टाइप ऑफ थेरेप्यूटिक एक्सरसाइजेस, कॉग्निटिव अफेक्टिव मैकेनिज्म्स, तो बेसिकली बहुत ज़्यादा जो हमारे फिजियोथेरेप्यूटिक इंटरवेंशनल पार्ट है वो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फ़ायदा नहीं कर पाते हैं, तो आप यहाँ पे बात कर सकते हैं पेशेंट्स एजुकेशन, रिलैक्सेशन, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की हम बात करेंगे। साथ साथ ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं पैलेटिव केयर में, हम सबको पता है कि हाउ वी कैन मैनेज द डिस्निया, है ना, अगर डिस्निया है तो डिस्निया की बहुत सारे डिजीजेस की वजह से हो सकती है, फॉर एग्जांपल कार्डियोपल्मोनरी प्रॉब्लम, रेटिकुलो एंडोथेलियल प्रॉब्लम्स, है ना, या सम टाइम ड्यू टू सम अदर प्रॉब्लम्स, तो उसके हिसाब से हम कैसे उसको मैनेज करेंगे, ये सारी टेक्निक्स को आपको यूज कर सकते हो। सी हियर नेक्स्ट थिंग्स मैनेजिंग द फटीग, तो बेसिकली फटीग को मैनेज करने के लिए जो फिजिकल एक्टिविटीज है किस इंटेंसिटी से, कौन सी फिजिकल एक्टिविटी किस तरह से होगी आपको ध्यान में रखना होगा, एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक, एक मिनट, हेलो, हाँ हम लेक्चर ले रहे हैं, 10 मिनट में खत्म कर रहे हैं बस, हाँ हाँ हम रुके हुए हैं, हाँ निकल जाइए, ठीक है। हेलो, सॉरी। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं फटीग को हम कैसे मैनेज करेंगे, फिजिकल एक्टिविटीज की हम लोगों ने बात कर ली, यू कैन यूज डिफरेंट एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक्स, नेक्स्ट वन इज मैनेजिंग लिम्फेडिमा, तो ये सारी चीजें आपने पढ़ा है, जो भी सिम्टोमेटिक कंट्रोल्स के लिए जो जो आप कर सकते हो उसे आप करने की ज़रूरत होगी। सी हियर डिफरेंट फेजेस, फेज ऑफ डी कंजेशंस, फेज ऑफ मेंटेनेंस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग फेजेस के अंदर, मतलब आप कब मैनुअल थेरेपी का यूज़ करोगे,
साथ साथ कब किस तरह से आपको बैंडेजिंग करनी है, क्या पोजीशनिंग करनी है, क्या एक्सरसाइजेज करानी है। अच्छा, इसका थोड़ा सा एडिमा वाले का रोल पैलिएशंस में ज़्यादा है। मोस्ट ऑफ द टाइम योर पेशेंट इज अनकॉन्शस या कोमा के अंदर है, पता चला 1 महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना, वहाँ पे पैलिएटिव केयर फिजियोथेरेपी की भी ज़रूरत होगी। बहुत ज़्यादा लोअर लिम्स के एडिमा हो गए, उसकी वजह से और भी प्रॉब्लम्स होंगी, तो हम लोग इसको पोजिशनिंग के थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रेप बैंडेजिंग, तो जो आप क्रेप बैंडेजिंग करोगे कितने इंच के चाहिए, कौन सा मेथड्स आपको लगाना है ना, ट्रांसवर्स लगाना है, स्पाइरल लगाना है, रिवर्स स्पाइरल लगाना है, उसके क्या प्रेशर्स होने चाहिए, किस तरह से, तो थोड़ा सा इस पे हम लोगों को ज़रूरत हो सकती है। समटाइम क्या होगा कि आप कुछ कंप्रेसिव गारमेंट्स एडवाइस करोगे, तो उसका भी मेजरमेंट्स ज़्यादा ज़रूरी है कि लेबल क्या होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लोअर लिम्ब एडिमा प्रेजेंट है तो ड्यू टू वैस्कुलर डिजीज या ड्यू टू बेड रेस्ट, तो उसके हिसाब से किस तरह से आप एडवाइस करोगे, कौन सी एक्सरसाइजेज बेनिफिशियल्स हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर लोअर लिम्ब एडिमा है किसी के अंदर ड्यू टू वैस्कुलर प्रॉब्लम, तो मेजॉरिटी ऑफ पैलिएटिव फिजियोथेरेपिस्ट, पैलिएटिव केयर फिजियोथेरेपिस्ट एडवाइज द साइकिलिंग एक्सरसाइजेज, है ना, एयर साइकिलिंग। बट अगर बंदा कॉन्शियस होगा तब तो करेगा, और साथ साथ अगर साइकिलिंग आप करवा रहे हो, अगर एसआई की प्रॉब्लम, अदर हिप की प्रॉब्लम्स है, तो इससे भी दिक्कत हो सकती है, तो इस पे भी थोड़ा सा हमें ध्यान रखने की ज़रूरत होगी जब भी आप यूज़ करोगे। नेक्स्ट वन इज़ केयर गिवर ट्रेनिंग, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स है, तो आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो, हम लोगों को पता है पहले से ही, सी हियर। नेक्स्ट वन इज़ द होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिक अप्रोच की बात अगर हम करेंगे तो ये पैलिएशंस के साथ ही यूज़ होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी डेफिनेशंस लिखी हुई, बट अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन होलिस्टिक हेल्थ एसोसिएशन पर्सपेक्टिव ऑफ होलिस्टिक हेल्थ कंसीडर द होल पर्सन एंड द होल सिचुएशंस, है ना, मतलब यहाँ पे आपको होलिस्टिक केयर्स की अगर आप बात करोगे तो होल पर्सन एंड होल सिचुएशंस को आपको ध्यान में रखना होगा। अच्छा, सम क्लिनिशियंस मोर फोकस ऑन अदर देन मेडिकल इंटरवेंशंस इन होलिस्टिक केयर, है ना, तो ये अलग अलग बंदों के अलग अलग अप्रोचेज हैं, बट जो हमें फॉलो करना है होल सिचुएशन एंड होल पर्सन फॉर होलिस्टिक केयर। तो सी हियर WHO ICF एंड होलिस्टिक हेल्थ केयर मॉडल्स, है ना, तो ये भी हम लोगों ने पढ़ा था कि मतलब जो आपके ICF मॉडल हैं किस तरह से होंगे, पहले के लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बट अगर आपको पढ़ना होगा तो इस आर्टिकल्स को पढ़िएगा जो नीचे रेफरेंस दिया हुआ है, तो आपको इसमें ध्यान देख सकते हैं सारी जो चीज़ें हैं, ये पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो हम इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की कोशिश नहीं करेंगे। सी हियर, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वेरियस एग्जाम्पल। नेक्स्ट वन इज दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन होलिस्टिक केयर्स, हम लोग इसे एक इस ग्राफ में समझने की कोशिश आप कर सकते हो, तो ये पैथोलॉजी इम्पेयरमेंट्स एक्टिविटीज़ या बहुत सारी चीज़ें, जो बहुत सारे जो टेक्निकल वर्ड्स हैं वो सारा हमें पता है, डिफरेंट फेज के अकॉर्डिंग डिफरेंट तरह के चेंजेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे फोकस चेंजेस ओवर टाइम्स की अगर आप बात करेंगे तो लेबल ऑफ इलनेस में भी हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था ना कि जो आपकी लेवल ऑफ इलनेस होगी, मे बी प्राइमरी, मे बी सेकेंडरी, मे बी टर्शियरी, या फिर आप क्या कहते हो ना कि वेरियस टाइप ऑफ रिस्क फैक्टर अवेलेबल इन वेरियस लेवल ऑफ इलनेस, सम आर मॉडिफाइबल, सम आर अनमॉडिफाइबल्स, तो उसके ऊपर भी आपको देखना है। ऑफ कंटेक्चुअल फैक्टर, जो कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो बेसिकली कंटेक्चुअल फैक्टर में फिर हम वही बात करेंगे जो आपने पर्सनल फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर, है ना, इन्वायरमेंटल में बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर, सोसाइटी, सोशल फैक्टर, केयर गिवर्स के बारे में आप बात करते थे, बट अब यहाँ पे दो चीज़ों को आप